हिमाचल चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं आज लगातार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से रैली हुई। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, विडंबना है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। यकीन दिलाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति से खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करके ही दम लेगी। बहुत सारी घोषणा पत्र हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया। नड्डा जी का नाम आ गया तो मैं चर्चा करना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग कहते थे जो बड़ा राज्य हो वहीं से बनाओ, दक्षिण से बनाओ या उत्तर में, उत्तर प्रदेश बिहार, ऐसे लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो उस राज्य के लोग ज्यादा वोट देंगे। हम लोगों ने यह नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, एक छोटे से राज्य जहां पर 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, नहीं सोचा। अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, नहीं सोचा कि छोटा होता है, क्योंकि हम इस हकीकत को जानते हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं तो एक उंगली भी यदि कट जाएगी बहनों भाइयों तो पूरे शरीर को पीड़ा होगी, वह चाहे छोटी हो या बड़ी हो। इस रूप में, इस नजरिए से भारत को देखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की धारा हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की। देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर उज्जैन के महाकाल का भव्य स्वरूप, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, क्या कभी कल्पना की थी, सोचा था किसी ने? अयोध्या में करोड़ों दीपक एक साथ जलेंगे, बहन भाइयों करिश्माई काम हुए। मैं सारी योजनाओं के लिए मैं चर्चा करूंगा, बहुत ही लंबा समय लगेगा। और भाजपा के नेताओं को देखिए, यहाँ इस धरती पर आकर क्या कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो क्या? हिमाचल प्रदेश बीमार है क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है, कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो, दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ, ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है, 70,000 करोड़ का कर्ज है, प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं, कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला, एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था, लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। कोरोना के समय पीपीई किट में घोटाले हुए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, खनन के तमाम घोटाले हैं, ये स्थिति है। और आपसे कहते हैं दवाई मत बदलिए, जैसे कि आप बीमार हैं। इन्होंने क्या परिस्थिति बना दी है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की, और खुद कह रहे हैं कि आप बीमार हैं। किसान, बागबान, छोटे व्यापारी सब मुसीबत में हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, पिछले 5 सालों में क्या आपने तरक्की की? क्या आपका बिजनेस बढ़ा? आपको रोजगार मिला? सब मना करते हैं, किसी की तरक्की नहीं हुई है। तो जब ये असलियत है और असलियत आपके सामने है, आप जी रहे हो इस असलियत को, तो आप इस असलियत को बदलते क्यों नहीं? बदलोगे? ये प्रदेश आपने बनाया है, आपने बनाया अपनी मेहनत से। यहाँ तमाम बच्चे शिक्षित हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, युवा आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन इन लोगों ने गलत निर्णय लेकर इस प्रदेश को बिगाड़ने के अलावा कुछ ठोस काम नहीं किया है। जब भी देश में संकट आता है दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, विगत चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे और अंततः क्या हुआ आप सोचिए तो ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर रामकुमार जी सक्रिय रहे तो विकास की योजनाओं को लेके आते रहे, यहां लोगों के हित में काम करते रहे। हारने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, विकास की योजनाओं को लेके आते रहे। जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना लागू करने की अहकार रहा हो, आयुष्मान भारत योजना में या यहां पर राज्य सरकार के द्वारा हिम केयर के रूप में चलाई जाने वाली 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना को हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, कोरोना कालखंड में सेवा कर रहा हो या बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने के लिए अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का हर एक स्तर पर सक्रिय रहकर के उन्होंने काम किया और उनके कार्य आज यहां पर बोल भी रहे हैं, आपका उत्साह बोल भी रहा है। और इसीलिए जब मुझे ये बताया गया, यद्यपि मेरा कल कार्यक्रम था हिमाचल में, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं एक दिन और समय आप दे देते तो मैं वाराणसी से सीधे